भारत विश्व कप 2019 में अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगा, जबकि चिर प्रतिद्वंदी पाक से उसका सामना 16 जून को होगा। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी हाल ही में दी है। विश्व कप 2019 यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में 30 मई से 14 जुलाई के बीच खेला जाएगा और भारत अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को करेगा, क्योंकि बीसीसीआई को लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैच के बीच 15 दिन का अनिवार्य अंतर रखना होगा। इस मसले पर हाल ही में कोलकाता में आईसीसी मुख्य कार्यकारियों की बैठक में चर्चा हुई। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक खबर बताई, अगले साल आईपीएल 29 मार्च से 19 मई के बीच खेला जाएगा, लेकिन हमें 15 दिन का अंतर रखना होगा और विश्व कप 30 मई से शुरू होगा, इसलिए 15 दिन का अंतर रखने के लिए हम 5 जून को ही पहला मैच खेल सकते हैं। इससे पहले भारतीय टीम को 2 जून को पहला मैच खेलना था, लेकिन भारतीय टीम उस दिन मैच नहीं खेल सकती। अधिकारी ने पहले कहा था कि मैच 4 जून को होगा, लेकिन बाद में उन्होंने इस पे सुधार किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से भारत को भेजना होगा। हाल ही में इस पर सहमति भी जताई गई है और ये मामला आईसीसी बोर्ड के पास भेजा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 16 जून को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारत ने विश्व कप में हमेशा पाक को हराया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले आईसीसी के विभिन्न टूर्नामेंट्स की शुरुआत भारत पाक के मुकाबलों से होती थी, क्योंकि इसमें स्टेडियम खचाखच भरा होता था। विश्व कप 2015 में ऑस्ट्रेलिया और चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा हुआ था। अधिकारी ने कहा कि यह पहला अवसर है जब भारत और पाक के बीच शुरू में मुकाबला नहीं होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।